जनता की, हरियाणा की भाजपा सरकार ने दिल्ली वालों के हक का पानी रोक रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर देखिए, दिल्ली के अंदर जो लीगल तरीके से 2 करोड़ जो लोग रह रहे हैं, जो वोटर हैं, उसके अलावा भी पूरे भारत के लोग, इवन इंटरनेशनल लोग भी देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, दिल्ली के हिस्से का 1050 क्यूसेक जो पानी, जो दिल्ली के हिस्से का पानी उसे मिलना चाहिए, उसके अंदर राजनीति कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है, उसके बाद भी ये बातों को गोल बोल कर दिल्ली की सरकार को फेल करना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को फेल करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि किसी तरीके से दिल्ली की सरकार फेल हो जाए और यहाँ पर ये एलजी शासन लागू कर दें। परंतु हमारी मैडम आतिशी, जो हमारी जल मंत्री भी है, हमारी पूरी पार्टी आज इनके कुशासन के खिलाफ, इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आज अनशन पर बैठी है, और जब तक दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल जाता हम ये अनशन जारी रखेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज आतिशी जी के अनशन का दूसरा दिन है, क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम देखिए सर, देखिए जल मंत्री है, आपने कभी देखा कि जो सरकार के अंदर मंत्री रहकर और कोई अनशन पे बैठता हो, लेकिन दिल्ली के पास अपना स्वयं का कोई पानी नहीं है। दिल्ली के अंदर मैंने बताया कि 1050 क्यूसेक पानी जो दिल्ली की जरूरत है, जो हरियाणा से हमें मिलता है, परंतु जिस प्रकार से इन्होंने अड़ंगे लगाए, आपने देखा भी होगा मीडिया के माध्यम से, हमने देखा भी है जिस प्रकार से अड़ंगे लगा रहे हैं इनके जल मंत्री जो यादव जी हैं, वो उनकी बयानबाजी देख लीजिए, मतलब वो दिल्ली भाई देश के लोग यहाँ रहते हैं, देश का अधिकार है पानी, मौलिक अधिकार है हमारा, पानी जो है संविधान के तहत मौलिक अधिकार है, और ये संविधान की बात करते हैं, ये उसका उल्लंघन यहाँ कर रहे हैं, दिल्ली के हिस्से का पानी दे नहीं रहे, दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग प्यासे मर जाएं, क्यों? क्योंकि यहाँ की ईमानदार सरकार को यहाँ की दिल्ली की जनता ने चुना है, यहाँ पर पिछले 3 बार से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। और आतिशी जी का जो ये संघर्ष है, मैं उनको सलूट करता हूँ, उनको दिल से मैं सलाम करता हूँ कि आज वो एक महिला, उन्होंने मतलब इतना बड़ा उन्होंने स्टेप उठाया सिर्फ दिल्ली की जनता के लिए। देखा जा सकता है कि दिल्ली की जल मंत्री जो है आतिशी जी, आज उनके पानी सत्याग्रह का दूसरा दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप सपोर्ट में हैं उनके? देखिए बहुत अच्छी बात है, आतिशी से सत्याग्रह पर बैठी हैं, और सत्याग्रह से आपने देखा गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर कर दिया था देश से, उनसे ज्यादा तानाशाही तो किसी ने नहीं करी ना, और ये जो तानाशाही अब चल रही है ना, इसके खिलाफ हमारे पास यही है, क्योंकि और हमारे पास कोई हथियार नहीं बचा अनशन के अलावा, एक दुश्मन जो बहुत जो मारने के लिए तैयार होता ना दुश्मन, वो भी पानी पिला देता है आपको, वो भी पानी दे देता है, ये उस दुश्मन से ही बदतर कर रहे हैं दिल्ली की जनता के साथ, किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं, किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हैं कि वो पानी तक पे इन्होंने बैन लगा दिया, क्या चाहते हैं कि दिल्ली प्यासी मर जाए? अगर ये चाहते हैं कि दिल्ली प्यासी मर जाए तो आतिशी बैठी है अनशन पे, जब तक ये पानी नहीं छोड़ेगी अनशन जारी रहेगा, और पूरी दिल्ली की जनता आतिशी जी के साथ है। देखा जा सकता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार जो है वो दिल्ली के हक का पानी रोक रखा है उन्होंने, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए किसी का हक मारना गुनाह है, ये पाप है किसी का हक मानना, और हक भी क्या के पानी, अरे पानी तो यार दुश्मन को भी पिला देते हैं, आप पानी रोके बैठे हो हरियाणा में, छोड़ो ना दिल्ली के लिए पानी, ये प्यासी मर रही है दिल्ली की जनता, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, ये इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बस इनको अपनी तानाशाही दिखानी है, इनको ये दिखाना है कि दिल्ली सरकार फेल हो गई पानी देने में, अरे पानी हमारे पास होगा तो हम जनता को देंगे ना, उसी के लिए तो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसके लिए आतिशी बैठी है अनशन पे, और मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से कि दिल्ली की जनता को प्यासा मरने से बचा लो, इन पे तरस खाओ, इन पे रहम खाओ, ये आपकी जनता है, इस देश की जनता है, बाहर से आए हुए लोग नहीं है, तो आपसे गुजारिश है और आपसे रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के लिए पानी छोड़ दो, हमसे हमारी इम्तहान मत लो, जनता का इम्तहान मत लो, प्यासी जनता है, भूल जाएगी फिर आप कौन हो, जवाब देगी इस बात का। जैसा कि देखा जा सकता है कि हरियाणा की भाजपा सरकार जो है वो दिल्ली के हक का पानी रोक रखा है उन्होंने, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भैया रोक दो कोई बात नहीं, लेकिन ये भी तो देखो फिर जो इनके 7 MP जीते हैं ना दिल्ली से, सिर्फ उन 7ों के नल उखाड़ दो इनके, ना पानी दिल्ली को मिल रहा है ना उनको भी मिले। आतिशी जी जो दिल्ली की जल मंत्री हैं वो पानी सत्याग्रह कर रही हैं, आप उनके सपोर्ट में हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सपोर्ट में है जी उनके, बिल्कुल सत्याग्रह से हमेशा फायदा ही होता है, पहले भी हुआ अंग्रेजों के टाइम पे फायदा, अब फिर होगा, लेकिन ये इतनी तानाशाही अच्छी नहीं है जी, छोड़ दो। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज सत्याग्रह का दूसरा दिन है, क्या लगता है? देखो जी मैं तो पहले तो यही कहूंगा जी, भाई साहब दिल्ली की जनता से नफरत करनी छोड़ दो आप लोग, सिर्फ दिल्ली की जनता से, किस भी बात की नफरत करते हो कि उन्होंने केजरीवाल जी को जिताया, अरे भैया छोड़ दो, बख्श दो, बहुत ज्यादा हो गया तुम्हारा।